हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने का सीखा था और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ये प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AP से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में AP से डिनोट किया। अब क्या है ये प्रॉपर्टीज ऑफ एन AP। अब AP का प्रॉपर्टीज क्या है, अगर कोई टर्न, कोई सीक्वेंस T1, T2, T3, डॉट 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 TN, RN AP, अगर कोई ये AP में दिया हुआ है, तब इसमें हम कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या सब्सट्रैक्ट करें या ऐड करें, तो वो सब क्या होगा, वो सब AP में ही होगा। जैसे यहाँ देखो, कोई कांस्टेंट पी लिया, तो उस पी से सब में मल्टीप्लाई किया तभी AP में रहा, और उससे डिवाइड किया तो भी सब AP में है। फिर क्या किया, अब कोई कांस्टेंट को उस टर्म में ऐड किया, T1 प्लस ये कांस्टेंट किया, फिर T2 प्लस कांस्टेंट, T3 प्लस कांस्टेंट, डॉट 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 TN प्लस कांस्टेंट किया, तो भी क्या सिक्वेंस AP में ही है। और फिर क्या है ये T1 माइनस पी, अब कोई कांस्टेंट को वो सीक्वेंस में से सब्सट्रैक्ट करें तो भी वो टर्म AP में ही होगा। और फिर क्या है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, और नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ऐसे कंसेक्यूटिव करते जाएंगे तो वो क्या एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अगर कोई दो सीक्वेंस दिया हुआ है AP में, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया ये A1 A2 A3 डॉट 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 AN और B1 B2 B3 डॉट 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 BN RN और टू सीक्वेंस इन AP, ये दो सीक्वेंस AP में दिया हुआ है। अगर हम उस ये वाले फर्स्ट टर्म और ये वाले फर्स्ट टर्म को ऐड करें और ये सेकेंड टर्म और ये सेकेंड टर्म को ऐड करें तो भी क्या होगा, ये AP में ही होगा। या हम उस ये रिस्पेक्टिवली जो मतलब अगर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी AP में ही होगा, ऐसा ही AP में। अब हमको AP में कोई तीन नंबर मानना है, अज्यूम करना है, क्या किया लेट थ्री नंबर इन AP, अगर तीन नंबर को हम लोग को AP में अज्यूम करना है तो हम लोग पहले A लिखेंगे, फिर A+D राइट साइड में, और फिर A-D, यही लिखने का इसका तरीका है। और फिर फाइव नंबर मानना है तो यहाँ बीच से स्टार्ट करेंगे, पहले A लिखेंगे राइट साइड जा रहे हैं तो क्या करेंगे उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, फिर क्या करें इसमें फिर एक कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या होगा A A+D A+2D, फिर क्या है अभी जो माइनस किए थे वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये है क्या ये A-D A-2D। अब सेवन नंबर अज्यूम करना है हम लोग को AP में, तो फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे A A+D A+2D A+3D A-D A-2D A-3D, तो ये तो देख लिया ऐसे ऑड नंबर हम लोग को एज्यूम करना हो AP में। तो अगर इवन नंबर एज्यूम करना है AP में तो हम लोग को कैसे मानना पड़ेगा, तो क्या करेंगे इसको हम लोग भूल जाएंगे, इवन नंबर मानना है तो इसको हम लोग को भूल जाना है फर्स्ट टर्म A से, तो क्या है ये वाला टर्म मानेंगे और ये वाला टर्म मानेंगे, तो ये A-D A+D ये हो गया। और फोर नंबर मानना है AP में, तो ये A-D A-D ये A+D और फिर क्या A+3D, ये वाले इवन ये 2D को भूल जाना है, तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे क्या है क्या A-D A+D फिर A+3D तो A-3D। और सिक्स नंबर मानना है हम लोग को, तो ये A-D A+D A+3D A+5D फिर क्या A-3D A-5D, तो ये हो गया। अब इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं कि इस पर बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन AP इज 12 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 408, फाइंड द नंबर्स। तो हम लोग को थ्री नंबर्स एज्यूम करना है AP में, तो यहाँ से A A+D और क्या A-D, ये तीन नंबर हम लोग AP में एज्यूम कर लिया। अब क्या दिया हुआ है, इसका सम दिया हुआ है 12, तो ये इसका सम करेंगे
तो a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, इसका सम 12 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया 3d इक्वल टू 12 हो गया। तो यहाँ से हम लोग d कैलकुलेट करेंगे तो d क्या हो गया 4 हो गया, सॉरी 3a, a क्या हो गया 4 हो गया। अब क्या क्या है, ये सम ऑफ दियर क्यूब्स इज 408। अब इसका सम सम का क्यूब मतलब a माइनस d का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस ए प्लस डी का क्यूब कितना दिया हुआ 408। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ये ए प्लस डी का ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। हाँ तो क्या होगा, ये ए माइनस बी का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी के जगह पे क्या है डी, तो यहाँ डी क्यूब माइनस 3ad प्लस ये इंटू ए माइनस डी, और ये क्या है ए क्यू। फिर यहाँ क्या करेंगे, ये a प्लस डी का होल क्यू है तो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये ए क्यू और b की जगह पे d है, तो ये डी क्यू प्लस 3ad इंटू ए प्लस डी। इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसको तोड़ेंगे तो a माइनस ए क्यू माइनस डी क्यू माइनस 3a² d प्लस 3ad² प्लस ए क्यू प्लस ए क्यू प्लस डी क्यू प्लस 3a² d प्लस 3ad². अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखेंगे ये 3a² d और ये माइनस 3a² d, अब ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये a की जगह पे 4 पुट करेंगे, तो पहले देखो a क्यूब कितना है 1 2 3, तो 3a³ है और a की जगह पे हम लोग 4 रखें तो ये क्यूब हो गया इसका। और फिर ये d क्यूब है तो d क्यूब से d क्यूब कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया प्लस 3 और ए के जगह पे 4 पुट किया इंटू d² और ये क्या है, और ये 3a² यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये कितना हो गया, ये 4 का क्यूब कितना हो गया 64, तो 3 इंटू 64 प्लस अभी ये कितना हो गया 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 इंटू d² हो गया, और ये इक्वल टू क्या लिखेंगे 408। यहाँ भी 408 लिखेंगे, तो अब ये लिख दिया और यहाँ से d की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होगी, ये d² इक्वल टू 9 होगा, तो यहाँ से d इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस ये 3 होगा, तो d की 2 वैल्यू आया और a का फर्स्ट 1 वैल्यू आया। तो अब इसमें हम लोग बारी बारी से a इक्वल टू, अब क्या कर रहे हैं पहले ये इसमें 2 केस बनेगा, तो हम लोग पहला केस में a इक्वल टू 4 पुट करते हैं और ये d इक्वल टू प्लस 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से देखो ये a है तो a की जगह पे 4 पुट किया, और यहाँ क्या a प्लस डी है तो a प्लस डी करेंगे तो कितना होगा 7 होगा, और ये कितना होगा a माइनस डी करेंगे तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 हो गया। तो ये फर्स्ट केस में ये हो गया आंसर, और सेकंड केस में a इक्वल टू 4 और फिर क्या d इक्वल टू माइनस 3 पुट करेंगे तो ये a के जगह पे तो 4 ही रहेगा, और यहाँ a प्लस डी करेंगे, जब a प्लस डी करेंगे तो ये a माइनस थ्री हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1 होगा, और फिर ये क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। तो ये दो केस में इसका ये दो आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। अभी यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिया, इफ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ये तीन तीन टर्म दिया हुआ है ए बी सी आर इन ए पी, ए पी में दिया हुआ है
तो हमको प्रूफ करना है 1 बाय बी सी, 1 बाय सी ए, 1 बाय ए बी आर इन ए पी, ये फर्स्ट ये प्रूफ करना है। और सेकंड क्या है, बी प्लस सी, ए प्लस सी और फिर ए प्लस बी आर इन ए पी, सेकंड ये प्रूफ करना है। फिर थर्ड क्या है, ये सी ए प्लस ए बी बाय बी सी, बी सी प्लस ए बी बाय सी ए, बी सी प्लस सी ए बाय ए बी आर इन ए पी, थर्ड ये प्रूफ करना है। और फोर्थ जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, तो ये ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी आर इन ए पी, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया, अब पहला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये ए बी सी आर इन ए पी, ये ए पी में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग को लाना है ये ए बी सी, ये बी सी लाना है। तो अब हम क्या, ये प्रॉपर्टी क्या बताया था कि अगर कोई कोई सीक्वेंस ए पी में दी हुई है तो उसमें हम लोग किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस कांस्टेंट को। तो हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट माना ए, ये ए बी सी, अब डिवाइड किए ए बी सी से, तो ये ए बी सी से डिवाइड किया सब में, फिर यहाँ से यहाँ भी डिवाइड किया तो भी क्या हो गया आर इन ए पी, ये ए पी में ही है। तो फिर क्या देखो, ये ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो ये आ गया वन बाई बी सी, वन बाई ए सी, वन बाई ए बी आर इन ए पी। देखो कितना आसान है प्रूफ करना, ये दो ही लाइन में प्रूफ हो गया। और फिर ये सेकंड है ये बी प्लस सी, ए प्लस सी और फिर ए प्लस बी, ये प्रूफ करना है। तो सेकंड देखो, ये ए बी सी आर इन ए पी, ये ए पी में दिया हुआ है, तो हम लोग अब यहाँ पे कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये एज्यूम किया। अब ये कांस्टेंट को हम लोग सब टर्म में से माइनस कर देंगे, तो ये ए में से माइनस कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या, या अब यहाँ भी देखो बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से सी में से माइनस कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी आर इन ए पी, तो भी ए पी में ही होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये क्या होगा ए माइनस ए माइनस ए माइनस बी माइनस सी, फिर क्या होगा बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और फिर यहाँ क्या होगा कॉमा सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी आर इन ए पी, तो भी ए पी में ही रहेगा। अब ये देखो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, फिर सी से सी कैंसिल, तो अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे माइनस बी माइनस सी हो गया, माइनस बी माइनस सी है तो माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से बी प्लस सी हो गया। और फिर क्या हो गया, यहाँ माइनस है माइनस सी है तो यहाँ पे भी माइनस को कॉमन किया तो ए प्लस सी बच गया ब्रैकेट में। अब यहाँ पे भी माइनस को कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी आ गया, तो भी क्या है आर इन ए पी। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब माइनस वन से डिवाइड कर देंगे सब में, तो ये क्या होगा बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी आर इन ए पी, ये भी ए पी में, देखो ये भी प्रूफ हो गया। सेकेंड क्या करना है, बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी आर इन ए पी, यही प्रूफ करना था, ये सेकेंड हो गया। अब थर्ड देखो, अब थर्ड क्या है, अब थर्ड में भी क्या है, ये ए बी सी आर इन ए पी, ये ए पी में दी हुई है, तो अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे भी ये जैसे फर्स्ट वाले में क्या था कि सभी में ये ए बी सी से
डिवाइड किया था, तो यहाँ पे भी एबीसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास ये टर्म बचेगा 1/BC, 1/AC, 1/AB, ये एबीसी से सब में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 1/BC, 1/AC, 1/AB आर इन AP। अब क्या कर लेंगे, अब सभी में ये सभी में अब यहाँ पे कांस्टेंट AB प्लस BC प्लस CA, ये इससे सभी में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या होगा AB प्लस BC प्लस CA होल डिवाइडेड बाय BC कॉमा AB प्लस BC प्लस CA होल डिवाइडेड बाय AC, फिर यहाँ भी AB प्लस BC प्लस CA होल डिवाइडेड बाय AB, ये भी क्या होगा आर इन AP, ये भी AP में ही होगा। अब क्या कर लेंगे, अब इस सभी को ये यहाँ देखो AB प्लस CA को एक साथ रखते हैं और डिवाइडेड बाय BC, और यहाँ प्लस ये BC बाय BC करेंगे, तो BC बाय BC से कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा 1 आ गया। फिर यहाँ भी सेम होगा, ये AC या CA बोलो, तो यहाँ AB प्लस BC बाई AC, फिर यहाँ भी AC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 बचेगा। फिर यहाँ देखो AB से AB कैंसिल होगा, तो यहाँ भी ये BC प्लस CA बाई AB प्लस 1 आर इन AP। अब सभी में क्या करेंगे, 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा AB प्लस CA बाय BC, फिर AB प्लस BC बाय AC, फिर ये BC प्लस CA बाय AB आर इन AP, ये देखो ये भी प्रूफ हो गया, तो हमारा थर्ड प्रूफ हो गया। अब फोर्थ प्रूफ कर रहे हैं, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ प्रूफ करने के लिए हमको क्वेश्चन नंबर ये थर्ड का जो है सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में कर लिया सब सारा प्रोसेस, तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो फिर से क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ में थर्ड का सारा प्रोसेस होगा। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ से देखो यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा सब में से, क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ है तो ए कॉमन करेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा ब्रैकेट में बी प्लस सी डिवाइडेड बाय क्या होगा ये BC होगा, फिर यहाँ भी ये बी कॉमन करेंगे, तो बी कॉमन क्या तो ए प्लस सी होल डिवाइडेड बाय क्या बचेगा यहाँ AC। अब यहाँ से C कॉमन करेंगे, तो C कॉमन करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा A प्लस B, A प्लस B बाय AB आर इन AP, ये AP में ही है। अब क्या करेंगे, अब सब में मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट ABC से, अब ABC से सब में मल्टीप्लाई किया, तो A तो पहले का ही है, फिर ये ABC इंटू बी प्लस सी बाय BC, फिर ये B तो पहले का ही, फिर ये ABC A प्लस सी बाय AC, फिर क्या है C तो पहले का ही है, फिर ये ABC इंटू A प्लस B बाय AB आर इन AP, ये भी AP में ही है। अब यहाँ देखो BC से BC कैंसिल, AC से AC कैंसिल, AB से AB कैंसिल, तो यहाँ हो गया ये A स्क्वायर इंटू ये बी प्लस सी, फिर यहाँ
बी स्क्वायर ए प्लस सी, फिर यहाँ देखो सी स्क्वायर ए प्लस बी आर इन ए पी, ये एक में प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और हाँ चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूर जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इतना शेयर करो कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर आज ही पूर जाए। थैंक यू।